क्या है, तो उसी तरह से एक्स और वाई है, ये हमारे लिए है कि ये जो कैसे रखना है। लेकिन जो स्टाफ काम करता है वो भली भांति इससे परिचित है और आज तक इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है और टायर डिफरेंट बेसिस स्टैंडर्ड थे। नेक्स्ट, फ्लैट टायर। फ्लैट टायर भी बेसिक चीज है कि ये जो है ये वहाँ पे जो फ्लैट वाला पोर्शन है उसको रखना है। अगर वो बैठता है 50 mm कोचिंग के लिए है और 60 mm जो बूट्स के लिए है। फ्लैट टायर की इफेक्ट भी आपको मालूम है कि फ्लैट टायर अगर है तो वो जितने भी जो ट्रैक है उसके वेल्डिंग पॉइंट्स तोड़ देगा, उसके कॉन्सिक्वेंस अलग हो जाएंगे, पूरा ट्रैक डैमेज हो जाएगा, मैकेनिकल हैम्बरिंग होगा। देखिए एक जो एक एनर्जी जो है, इम्पैक्ट एनर्जी जो है वो फ्लैट टायर पर डिपेंड करती है। आप जितने आरपीएम पे स्पीड से जा रहे हो और जितना फ्लैट है उसका जो इम्पैक्ट है वो वेल्डिंग को तोड़ने के लिए काफ़ी है। और अगर आपके पास गेज नहीं है तो ये फ्लैट देखने का तरीका भी आपको बोल देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग स्केल लगाते हैं, हम लोग स्केल लगाते हैं, देखिए ये जो है हम जनरली क्या करते हैं कि स्केल लगाते हैं और ये जो जहाँ पे स्केल बैठती है उसको हम गिनते हैं ए से लेके बी तक, ये है फ्लैट टायर। लेकिन ये तरीका गलत है। सही तरीका ये है कि अपने जेब में कोई भी एक पेपर है या थोड़ा सा कोई चीज़ है जिसको हमको इंसर्ट करना है यहाँ से और यहाँ से, वो पेपर जहाँ तक जाता है वो ये पोजीशन शायद होंगी और ये होंगी, ये होगा फ्लैट टायर अगर आपके पास गेज नहीं है तो। क्योंकि देखिए हम जैसे रोलिंग देख रहे हैं, रोलिंग आउट कर रहे हैं, जो सेक्शन में जो लोग हैं उनके पास ये गेज अवेलेबल नहीं होता है, मैसेज मिल जाता है कि ये फ्लैट है कि नहीं चेक कर लीजिए, तो उस समय गलत रीडिंग देखे रॉन्ग नहीं करना चाहिए, उस समय ये टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये फ्लैट टायर है कि नहीं। ये व्हील की मतलब व्हील फ्लैट क्या होता है, ये देखिए जो हमारा चक्का है जिसपे जिसपे जो पोर्शन रेल के कॉन्टेक्ट में आता है उसको ट्रेड बोला जाता है। अच्छा, जो देखिए हम जो बात कर रहे हैं ये जो है वो फ्लैंज है, ये रूट है, ये जो पोर्शन है एक टेपर है, मतलब एक फ्लैट नहीं है, और इसको हम बोलते हैं व्हील ट्रेड, क्योंकि पॉइंट कॉन्टेक्ट है ना कि सरफेस कॉन्टेक्ट है। आपका आपका एक पॉइंट पे कॉन्टेक्ट होता है और वो लगभग 19 mm की तरह है, पॉइंट कॉन्टेक्ट एमएम नहीं है वो, बिल्कुल आप उसको डायनामिक्स में जाओगे तो वो बिल्कुल फ्रैक्शन कॉन्टेक्ट उसको बोला जाता है, मतलब पिन पॉइंट कॉन्टेक्ट, लाइन कॉन्टेक्ट। लेकिन अगर आपका इसमें गड़बड़ है या आपका जो रेल टेबल है वो रेल टेबल भी एक कर्व है, वो भी आपका फ्लैट रहेगा तो, और ये फ्लैट रहेगा या ये फ्लैट रहेगा तो आपका लाइन कॉन्टेक्ट नहीं होगा। तो लाइन कॉन्टेक्ट होने के लिए आपका ट्रैक का भी सही होना जरूरी है और व्हील ट्रेड का भी सही होना जरूरी है। नेक्स्ट, थिन टायर। थिन टायर को लोग काफी सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंस बताऊंगा आपको। इसमें भी देखिए ये पोर्शन पैरेलल रहना चाहिए और यहाँ जैसे टच होगा, अगर आपका चक्का पतला पतला होते जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट नीचे नीचे आएगा और वो जो मार्किंग है वो चक्के के मार्किंग के साथ पता चलेगा, जिससे समझ में आएगा चक्का पतला हुआ है। थिन टायर का सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा आपका सीबीसी ड्रॉप हो जाएगा, आपका चक्का पतला है तो ओवरऑल जो बफर हाइट जो है वो ड्रॉप होगी और बफर हाइट वेरिएशन भी एक एक्सीडेंट का कॉज हो सकता है डेफिनेटली। तो थिन टायर भी जो है एक रिजेक्टेबल डिफेक्ट है बट इट इज नॉट अ प्राइमरी कॉज ऑफ एक्सीडेंट। जो कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं,
उन्होंने जो गाड़ी निकाली है वहां पे न्यूट्रल टीएक्सआर बैठा हुआ है, एन टीएक्सआर जो रेलवे बोर्ड का आदमी है, जो ना कि डिवीजन का कोई आदमी नहीं, उसने उसको पास किया है। इसका मतलब वो गाड़ी जो है वो अगले शेड्यूल में जाके आने के हिसाब से बनी हुई है। आज अगर हमने इनिशियल में ही उसको सही कर दिया तो आपको वो जो पीरियड है 18 महीने 24 महीने जो भी पीरियड है उस पीरियड में देखने की जरूरत नहीं कि वो रिजेक्टेबल है नहीं। अगर आपको मिल रहा है साइड पे, इसका मतलब डिजाइन की, देखिए फिर से वही बात है कि जो बनाने वाले लोग हैं अभी कुछ कर दी ये कोई कंडीशन नहीं हो, मतलब ट्रैक कुछ गड़बड़ हो, कुछ भौगोलिक परिस्थिति गड़बड़ हो, चलाने वाला गड़बड़ हो और बीच में गड़बड़ हो जाए तब क्या करेंगे इसका सारे सब सर्कमस्टेंसेस एक ही हो रहा है। मान लो अगर ये सब हो रहा है तभी तो आपको कॉज ऑफ डिलीवरी मिल रहा है, आपको एक कॉज ऑफ डिलीवरी मिल रहा है, आपको वो देखना है कि गेज के बाद वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा और वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे पहली चीज है व्हील प्रोफाइल टायर प्रोफाइल रिकॉर्डर। जैसा मैंने अभी बताया था कि जब हमको व्हील टायर लेना ही नहीं है तो व्हील प्रोफाइल भी नहीं लेना है, लेकिन अगर मेजर डेवलपमेंट है जब रिक्वायरमेंट होती है कि हमको व्हील के प्रोफाइल की लेने की जरूरत है कि जब जहां वो चीज़ सीआरएस के लेवल पे जाएगी या बहुत मेजर डेवलपमेंट है उस समय ट्रैक का भी आपको लेना पड़ता है, ट्रैक का प्रोफॉर्मा लेना पड़ता है, ट्रैक प्रोफाइल भी ट्रैक प्रोफाइल लेनी पड़ती है। तो इस तरह से टायर प्रोफाइल रिकॉर्डर जो है वो कैसे लेना मैं आपको बता रहा हूँ। तीन तरीके हैं। एक तो सबसे पहली चीज है वो अपने पास कोई माइका गेज वगैरह होता है, पता है बाल बाल जो ऐसे है उस तरह से एक लगा रहता है जिसमें पूरा फिटिंग रहता है, उसको चक्के में रख के हैमरिंग करना है। तो जैसा उसका वो जो जो गेज है उसको जैसे प्रेस करोगे तो ये प्रोफाइल में वो आ जाएगा और उसको हम ड्रॉ करेंगे तो हमको टायर प्रोफाइल मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज एक मेटल का पीस आता है, आप क्या बोलते हैं उसको, माइका बोलते हैं लीड, लीड का लीड, एलईडी लीड धातु जो होता है वो अपना एक शेप बना के रखता है, स्ट्रिप रहती है उसकी, तो वो शेप को उसको रख के टैपिंग करके हैमर से टैपिंग करके उसको लेना है। और सबसे स्टैंडर्ड तरीका है टायर प्रोफाइल रिकॉर्डर। इसमें देखिए ये बिल्कुल घूमने वाली चीज है, जैसे घुमाओगे तो ये जो पॉइंटर जो है वो आगे भी चलेगा, उस तरह से यहाँ पे जो पेंसिल है वो ड्रॉ करेगा। ये तरीका ऐसा है कि दो पार्ट में लेना पड़ता है, ये फ्लैंज के पोर्शन में लेने के बाद उसको आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है और यहाँ से लेके यहाँ तक चलने के लिए उसको घुमा के ये जो पॉइंटर है इसको आपको घुमा के उल्टा करना, उल्टा करना, तो तब आपको ये चीज जो है वो प्रॉपर मिल पाएगी। इसकी जरूरत मिलती है जब आपका कोई क्रिटिकल केस है, अपने रोजमर्रा के यार्ड डेवलपमेंट में इस चीज को भूल ही जाना सबसे अच्छा है। फिर से वो उस तरह से कि इसको रेल पे फिट करना है ताकि उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर रह सके, उसका पॉइंटर का व्यू है जो है वो बिल्कुल वहां से चलते रहे। तो इस पे ये जो है इंजीनियर के तौर पे आप सबको थोड़ा ध्यान देना है कि इसकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए, नहीं तो वहां जाके सबके सामने अगर घुमाना चालू कर देंगे और रीडिंग नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको करना है। लेकिन ये जब लेंगे तो इसके साथ साथ रेल का प्रोफाइल लेना जरूरी है, क्योंकि जब दो मेटिंग सरफेस की बात करेंगे तो सिर्फ आपने अगर ये ले लिया और अगर रेल का प्रोफाइल नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। अगर ये लेने की जरूरत है तो आपको रेल का प्रोफाइल भी लेना जरूरी है। रोलर बेरिंग, आज के में रोलर बेरिंग तो अवेलेबल नहीं है, यूआईसी टोटल कंडम हुआ है, लेकिन उसमें दिया गया है अपने प्रोफॉर्मा में भी रोलर बेरिंग इज इन्वॉल्व एज केस एज अ कॉज। फिर उसमें क्या है कि आज के डेट में अपने पास सीटीआर भी है, अगर कोचिंग देखो जाओगे तो स्पिरिकल रोलर बेरिंग है, एनएचबी में भी अपना सीटीआर भी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे करना है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज ओनली फॉर यूआईसी ट्रेनर्स। व्हील डायमीटर, जैसे मैंने आपको बोला था फिर से बोल रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ व्हील डायमीटर इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन रेलवे बोर्ड परफॉर्मा इन यार एंड मेंटेनेंस लाइन, व्हील डायमीटर इज नॉट मेजर। कहीं पे व्हील डायमीटर मैं अगर आरओएच करता हूँ आयोज करता हूँ मैं व्हील डायमीटर नहीं लेता हूँ, सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग होता है या जब यार अपना वर्कशॉप से निकलता है तभी वो चीज़ को मेंटेन करना है तो डायमीटर नहीं लिया जाता है। मेजरमेंट ऑफ व्हील डायमीटर शुड बी डन एट द सेंटर
center of thread by using suitable gauge or caliper. Care should be taken to remove all ballast and other particular sticking on the thread before applying the gauge. मतलब अगर लेने की नौबत आती है कि आपके बॉस फोर्स कर रहे हैं या केस जो है काफी रायता फैल गया है, उस केस में अपने को लेने की जरूरत मिलेगी, तब लेना, कैसे लेना है वो तरीका बता रहा हूँ। इस तरह से गेज चाहिए, वो अपना जो कैलिपर रहता है वो कैलिपर कभी भी रीडिंग सही नहीं रहता है। आपका कैलिपर आप लगाते हो, उसको निकालते हो, उसमें ही आपके 1-2 mm का फर्क आ जाता है। आपके पास इस तरह से गेज होना चाहिए कि जो ये रेल से ये पैरेलल में हो, तिरछा ना हो, इसका जो पॉइंटर है वो बिल्कुल इसके ट्रेड के बिल्कुल सेंटर में ले रहा हो, ये पॉइंट भी है। बाद में उसको बिल्कुल धीरे से मूव करना है, बिकॉज दो पॉइंट के बीच में की जो दूरी मैक्सिमम होती है वो डायमीटर होता है, ये हम सब जानते हैं। तो सबसे मैक्सिमम जो डिस्टेंस है दैट इज अ डायमीटर ऑफ दूरी। नेक्स्ट, अंदर से लेने की नौबत है तो इस तरह से गेज लगाना है। नेक्स्ट, स्प्रिंग कैमरा, अब काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है, काफी थोड़ा बचा हुआ, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए और मैं जो चीज बता रहा हूँ आप उस चीज को भी एक्सेप्ट करोगे कि स्प्रिंग कैम्पर का रोल कहाँ आता है। फोर व्हील, जो फोर व्हीलर गाड़ी है या यूआईसी ट्रॉली है जिसमें प्राइमरी स्प्रिंग लगी हुई है, वहां पे ब्रोकन स्प्रिंग कैन बी कॉज ऑफ डिरेलमेंट। आज मैं और आप गाड़ी चला रहे हैं, मेरे पास आईसी कोच चल रहा है, उसका प्राइमरी स्प्रिंग ब्रोकन है दो पीस में, क्या मैं अलाउ कर सकता हूँ? Yes. 100% yes. मैं अलाउ करता हूँ, क्यों? अगर वो गाड़ी डिरेलमेंट हो सकी होती तो क्या मुझे आईआरसीए में अलाउ किया होता उस चीज को, रिजेक्टेबल डिफेक्ट आया होता। लेकिन जो कि आईसीएफ कोच में लोड बेयरिंग जो है वो सेकेंडरी स्प्रिंग है, प्राइमरी स्प्रिंग ये ट्रैक के इरेगुलरिटी को कंपेंसेट करने के लगी हुई है। तो आज मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन ये करूंगा कि ट्रैक हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्प्रिंग के वेरिएशन से डिरेलमेंट का क्या रोल है, मैं बता पाऊंगा। अब मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, देखिए आप प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, नो डाउट आपको ये चीज पता होगी, लेकिन अगर रिवीजन भी हो रहा है तो ये अपने ही मतलब, और आप उस चीज को डिफेंड कर सकोगे साइड पे। मैं बात कर रहा हूं फोर व्हील की या यूआईसी की जिसमें प्राइमरी स्प्रिंग जो है वो एक्सल पे लगे हुए हैं, क्लियर? इसको हम यूआईसी और फोर व्हीलर बोलेंगे। अब ये इसमें लिफ्ट स्प्रिंग लगे हुए हैं, आज अगर मेरा 10 टन लोड अगर यहां पे जा रहा है, 10 टन लोड जा रहा है तो चारों इसमें इक्वली हो जाएगा, 2.5 टन 2.5 टन 2.5 टन, क्लियर है? अगर मान लो अगर एक स्प्रिंग मेरी वीक है, जैसे हम इसको बोलेंगे ये है L1, ये है L2, ये है R1, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है। अब मेरी ये स्प्रिंग अगर कमजोर है या ब्रोकन है तो ये वीक स्प्रिंग है, इसका मतलब उसका जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा है, इसका डिफ्लेक्शन कम है, तो वो जो है वो लोड लेगी। अब जैसे ये हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है फोर व्हील में वो डायगोनल ही रहता है, कैसे रहता है मैं ये भी बताऊंगा, जस्ट मुझे थोड़ा समय दीजिए। ये 2.5 टन और ये 2.5 टन ये क्रॉस में 2.5 टन चले गए। अब ये जो है वीक हो गई और ये स्टीफ है, तो ये जो लोगी ये लेगी ये 3.5 टन लेगी फॉर एग्जाम्पल, और ये लेगी 1.5 टन लेगी। ये स्प्रिंग जो कि कमजोर है या ब्रोकन है और ये स्प्रिंग जो है वो स्टीफ है, वो चक्का डीप में चला गया, ये चक्का इस पोजीशन में। अब फिर से वो फॉर्मूला है Y/Q, अब मेरा वर्टिकल लोड ही कम हो गया तो इसका मतलब ये चक्का जो है ऑफ अपलिफ्ट होगा और कॉज ऑफ डिरेलमेंट बनता है, बिल्कुल बनेगा।
और वही अगर हम बात करते हैं हमारे बाकी से भी ट्रॉली जो आज के डेट में कैस्मर है, आज के डेट में ICF है, आज के डेट में LHB है, जो भी है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग बोलेंगे। ये जो सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग जो है इसमें जो है आपके स्प्रिंग जो है वो पोस्टर के नीचे में लगे हुए हैं और फिर से एक्सल जो है यहाँ पे आपके एडॉप्टर है या मान लो प्राइमरी स्प्रिंग है जो भी है अलग अलग गाड़ी के हिसाब से। यहाँ पे ये इसको सिर्फ दिया गया है रेल के जो इरेग्युलरिटीज है उसको कॉम्पेंस करने के लगा हुआ है। यहाँ पर कोई स्प्रिंग भी है उसका वो रोल नहीं है जो इस अब मैं फिर से बोलता हूँ देखो मैंने यहाँ पे 10 टन लोड दिया हूँ ओके अब यह 10 टन लोड जो है वो यहाँ पे चला गया 5 टन यहाँ पे चला गया 5 टन और वैसे वैसे ये जो 2.5 टन 2.5 टन 2.5 टन और फिर से बोलता हूँ ये L1 ये R1 ये L2 और ये R2। अब देखिए मेरी ये स्प्रिंग वीक हो गई या ब्रोक हो गई तो ये ले रहा है करीब करीब 7 टन वेट ले रहा है और ये लेगा 3 टन लेगा क्योंकि वो वेट स्प्रिंग जब दब गई है तो वो वेट ज्यादा देगा। अगर ये 7 टन ले रहा होगा तो ये लेगा 3.5 ये लेगा 3.5 और ये लेगा 1.5 ये लेगा 1.5। अब ये दोनों की एडिशन कर दो R1 प्लस L2 कीजिए ये हो गया 5 कितना हो गया 1.5 और ये वाला जो है L1 और R2 जो है ये हो गया 5 और इसको अगर माइनस करेंगे 5 माइनस 5 = 0 और इसमें आप देखोगे तो जो डायगोनल माइनस जो कर रहा है ये 2.5 माइनस 2.5 = 0 लेकिन 3.5 माइनस 1.5 = 2 टन। तो 2 टन जो लोड आ रहा है ये प्राइमरी स्प्रिंग में आ रहा है जो कि कॉज ऑफ डेवलपमेंट बन रहा है जबकि सेकेंडरी में जो है आपकी स्प्रिंग जो है इस तरह से डिजाइन की गई है। आप भी खुद भी इसको स्टडी कीजिए आपको लगेगा कि कैस्नर ट्रॉली इज नॉट प्रोन टू डेवलपमेंट ये जो है खुद को संभालने के हिसाब से बनी है। ICFB जो है अभी हमको अगर स्प्रिंग मेजरमेंट मांगे जा रहे हैं और हमको देना पड़ रहा है तो ये हमारी कमजोरी है। हमको ये एक्सप्लेन करना है कि एक्सेल मैनुअल में भी बताया गया है कि स्प्रिंग का मेजरमेंट है वो UIC 20 के लिए है इसके लिए है हमको फ्री हाइट टेयर हाइट एम्प्टी हाइट देने की जरूरत नहीं। आपको मैं एक्चुअली अगर जस्ट मैं ये केवल इसलिए ला रहा हूँ कि 4 व्हील का कंसेप्ट आपको फिर से दिखाना चाह रहा हूँ। ये अपना L1 चक्का है ये L2 चक्का है सॉरी L1 चक्का है ये R1 है ये L2 है ये R2 है और आज अगर मेरे पास ट्रैक में डेप आती है या मेरा स्प्रिंग वीक है तो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए वहां पे दिक्कत आई तो ये चक्का यहां से फ्लोट हो गया ये जो ट्विस्ट है ये ट्विस्ट इज अ कॉज ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपका स्प्रिंग का हम देख रहे हैं यहां पे अगर अपनी सेकेंडरी स्प्रिंग है तो जो कॉज ऑफ डेवलपमेंट है ट्विस्ट पे जाएगा लेकिन प्राइमरी स्प्रिंग है तो अपना कॉज ऑफ डेवलपमेंट ये स्प्रिंग के केम्बर स्प्रिंग के जो फ्री हाइट टेयर हाइट लोड हाइट ये देखना। कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया क्या आपके कि हमारा जो गाड़ी चल रही है तो एक जो ट्विस्ट आ रहा है जिसके वजह से ये फ्लैंज ऑफ रेल हो रहा है और ये क्या है कॉज ऑफ डेवलपमेंट बन सकता है। और अब ये पढ़ेंगे जैसा लिखा है 4 व्हीलर IRS फैगेट के हिसाब से है। नेक्स्ट मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया है वो इसी फॉर्मूले के तहत से है। अब कॉइल स्प्रिंग डिटेल्स ऑफ कॉइल स्प्रिंग आर नॉट प्रिस्क्राइब टू बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड प्रोफार्मा। फिर से बोलता हूँ कि
कॉइल स्प्रिंग का कोई प्रोफॉर्मा नहीं है, लेकिन अगर आपको आपके ऑफिसर्स या अधिकारी को सेटिस्फाई करना है तो आपको ये लेना पड़ेगा. दिस इज बिकॉज प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग इन कोचिंग स्टॉक इज परमिटेड इन सर्विस इवन इट इज ब्रोकन. जब हम बोल रहे हैं कि हमारा प्राइमरी स्प्रिंग ब्रोकन में भी जा सकता है तो कॉज ऑफ डिफेक्ट कभी नहीं हो सकता. As per RDS2 instruction, a primary coil spring in broken condition can be allowed to the destination since it is found to have no impact on safety. Similarly, hybrid coaches. आपने देखा होगा अगर आपने hybrid coaches की ballast भी अगर वो जो ballo है वो फट भी जाती है तो हम 60 kmps से हम उसको reduce speed से कर सकते हैं. अगर हमारा secondary spring अगर फट गया है और अगर उससे coaching stock derail हो सका होता. देखिए फिर से बोलता हूँ, अगर हमारा बेलो फूटने की वजह से मेरी गाड़ी रोलिंग के पोजीशन से डिरेल हो सकी होती तो क्या अप टू डेस्टिनेशन अलाउड किया होता क्या? तो जब हमको ये बताया जा रहा है कि मेरा सेकेंडरी स्प्रिंग भी ब्रोकन कंडीशन में जा सकता है इन हाइब्रिड और प्राइमरी तो हम अलाउड कर ही रहे हैं, तो कॉइल स्प्रिंग का रोल क्या हो सकता है ये हमको डिफेंड करना. However, it is insisted by the inquiry committee the height under load should be recorded after placing the coach on level track. Free height of spring should be measured after taking out the spring. अपने को पूरा गाड़ी को खोलना पड़ेगा, स्प्रिंग को अलग करनी पड़ेगी. मेजरमेंट के लिए जहाँ भी हम डिपो में जाते हैं उनके पास बिल्कुल फॉर्मेट रहता है, कलर कोडिंग के स्प्रिंग के जो है वो गोल होकर भेज रहते हैं, कौन सा स्प्रिंग कहाँ पे जाएगा उससे आपको पता चलेगा. आपको स्प्रिंग की ग्रुपिंग कर सकते हो, वहाँ आपको रीडिंग मिल जाएगी अलग से, क्योंकि हम अगर टेप से गिनने जाते हैं तो वो उसमें 2-3 mm का तो फर्क पड़ ही जाता है, क्योंकि हम उसको किस डायरेक्शन से मेजर करेंगे, कहाँ से स्प्रिंग को घुमाएंगे. नेक्स्ट, द कॉइल स्प्रिंग इन द वैगन आर प्रोवाइडेड इन सेकेंडरी सस्पेंशन, देयर ट्रांसमिट द बॉडी वेट टू द बोगी साइड फ्रेम. हाउएवर is the load transmitted to the side frame is distributed equally to the two axle journal by the side frame, hence there is no offloading effect. jaisa maine aapko explain kiya tha ki yahan pe offloading effect jo hai wo secondary spring mein nahi hai. fir se dekhiye aur wahi aap jo maine yahan explain kiya tha 10 step ko hum past mein karenge, tighten. next, fir agar weak hoti hai 7 ton legi to 3 ton lega, और जो डायगोनल 3.5 + 3.5 - 3.5 स्कूल में रिजल्टेंट कितना वेट आ रहा है उस स्प्रिंग पे, उस व्हील पे. देखो हमको चक्का उठ रहा कि नहीं देखना है, हमको गाड़ी से कोई मतलब नहीं है. अल्टीमेटली फोर्स कहाँ पे आ रहा है? फोर्स आ रहा है हमारे व्हील के उस पॉइंट पे जहाँ से ऑफरोडिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो जब हम बता सक रहे कि अगर मेरा स्प्रिंग भी ब्रोकन है या वीक है मेरा गाड़ी डीजल नहीं होगा. फ्री हैंड ऐसे है. नेक्स्ट, इन कैस्टर बोगी देयर इज नो स्प्रिंग इन द प्राइमरी सस्पेंशन, द बोगी साइड फ्रेम्स आर कनेक्टेड ओनली एट द सेंटर बाय द बॉटम स्प्रिंग प्लैंक. दिस डिजाइन फैसिलिटेट द फोर व्हील ऑन द ट्रॉली टू फ्री फॉलो द रेल केबल, सिंस द व्हील्स आर एबल टू फॉलो द ट्रैक इररेगुलरिटीज बिकॉज ऑफ बोगी डिजाइन, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिरेलमेंट ड्यू टू ट्रैक ट्विस्ट. नेक्स्ट, सेंटर पिवट. फिर से इवन दो दिस मेजरमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द प्रोफार्मा, सेंटर पिवट के मेजरमेंट भी अपने प्रोफार्मा में नहीं बताया, लेकिन हमारे भाई साहब हमको इतना इंसिस्ट करते हैं कि ये देखना है. तो सबसे पहले चीज वही चीज ख्याल रखना है कि मेरी गाड़ी जो है वो इतने लोड स्लीपर से टूटे हुए स्लीपर से दौड़ते आई है जिसको ट्रॉली को उसने पूरा एंड बैंड कर दिया है, तो क्या मेरी सेंटर पिवट बेंड नहीं हो सकती कुछ चीज में? तो यही कहना है हमको कि बोगी वो जो है सेंटर पिवट में सफर कट्स उस समय अपने सेंटर पिवट पे कट मार करता है, बेंड आ जाती है. द पिन में बेंड इन केस ऑफ व्हीकल्स ड्रैग ऑन बैलास्ट फॉर कंसीडरेबल डिस्टेंस, दिस शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रफनेस एट द मेटिंग सरफेस. इतना कंसीडरेबल डिस्टेंस क्या माना जाएगा? मतलब ड्रैगिंग भी होती है तो कितनी देर कितना डिस्टेंस करने के बाद वो ये माना ही नहीं गया है. देखिए सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चीज सेंटर पिवट तो ना मेजरमेंट में दूंगा ही नहीं. अच्छा, मैं जो है जैसे आप भी लोग हैं, मैं तो उस चीज को बोलता भाई जिससे मेजरमेंट लेना है ले लीजिए,
जयराम जी, मैं ये मेजरमेंट दूंगा नहीं, क्योंकि क्या है, आप उसको फोर्स करोगे कि देना है, देने के बाद तो खुलने के बाद तो दिखना ही है कुछ ना कुछ ना भी है, फिर आप वही बोलोगे भाई कितना कंसिडरेबल डिस्टेंस है, भाई मैं तो बोलूंगा कि मेरा एक स्लीपर से भी कंसिडरेबल डिस्टेंस आप नहीं होना चाहिए, तो वहां दिखाइए ना, पहला सेंटेंस पढ़िए तो मेजरमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं, और दूसरी चीज है कंसिडरेबल डिस्टेंस ये है कि हम और आप जो जिसको समझ सकते हैं कि भाई ये गाड़ी लोडेड है कि एम्प्टी है, कितनी दौड़ी है ना, आप बोलोगे भाई 5 किलोमीटर चलने के बाद पेंट होना चाहिए, मैं करूंगा वो स्लीपर पे जाने पेंट होना चाहिए, वो स्पीड कितना है, इंपैक्ट कितना है, उस पर भी डिपेंड है ना, कितने स्पीड से खींच रहा हूं, बराबर। तो हम उस चीज को जो है हम अपने, देखिए आप में से होशियार लोग ऊपर बैठे हुए जिन्होंने ये चीज बनाई, अभी तो लेटर आ गया है कि 6 डिग्री तक तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, मोर देन 6 डिग्री की गाड़ियों में जैसे कैस्टनम मार्क 1 मार्क 2 वगैरह जो चलती थी उसके उसके बाद कितने वैरायटीज आए, अब नॉन कॉन्टैक्ट टाइप जो है ये देखिए सॉरी अभी जो है वो जो है कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट टाइप आया हुआ है जिसमें साइड मिरर में गैप नहीं मिलता, चाहे वो BLC हो चाहे वो बॉक्स एंड HL जो अभी जितना भी है PU वाले साइड मिरर आए इसमें गैप नहीं मिलेगा, पहले जो USC में चलते थे उसमें गैप वाले थे तो उस समय वो गैप माना जाता था ताकि वो डायनामिक्स में साइड मिरर क्लियरेंसेस, अब जहाँ की साइड मिरर क्लियरेंस है नहीं तो आपको एक ही लाइन में लिखना है नो साइड मिरर क्लियरेंसेस। कोचिंग में आते हैं, कोचिंग में जो है वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपनी वेयर प्लेट है, ब्रांच पीस है, वहाँ पे हमको ये देखना है कि ऑयल उसके अंदर डला हुआ है कि नहीं ऑयल, अगर ऑयल नहीं है इसका मतलब वो निगोशिएट करते समय निगोशिएट नहीं कर रही है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, उस समय जो वियर है उस समय चेक करना है ICF कोच के समय, और वो भी ऑयल कंडीशन इंपॉर्टेंट करेगी, ऑयल का कलर इंपॉर्टेंट करेगा, और दोनों का जो मैचिंग सर्विस है उसमें अगर वियर है। नेक्स्ट The availability of oil in the side mirror should be checked. If the welding around the side mirror housing is cracked, causing leakage of oil from the side mirror, it should be ascended whether the leakage is new or old. वहाँ से आपको पता चलेगा कि leakage नया है या पुराना. While recording the condition of bearing piece, the nature of cut marks, if any, whether considered new, etc., should be recorded. हमारा recording जो है वो perfect होना चाहिए. ये सब चीजें form में आनी चाहिए कि ये अगर इन्वॉल्व है. जनरली अभी ये काम में आता नहीं है, फिर भी उसमें प्रोफॉर्मा में दिया है कि अगर कंसाइनमेंट सेंटर में अपेक्षा जो वेल टाइप वैगन या ODC टाइप वैगन जो चल रहे हैं उसके डिलरमेंट में ये रोल होता है कि आपने उसको कैसे लैशिंग किया हुआ है, लोड सेंटर में था या ऑफ सेंटर था, उसको बांधना नहीं है सिर्फ, मतलब बाकी के आगे पीछे के वैगन को टाई नहीं करना है, उस पर सिर्फ सेंटर में ही प्लेस रहेगा ताकि कर्व निगोशिएशन के समय में वो लोड जो है उस तरह से चलेगा। तो नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ ब्रोकन पार्ट, ये सबसे अपना इम्पोर्टेंट चीज है कि एज मेंशन एट द आउटसेट द डिटेल्स ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स हैव टू बी रिकॉर्डेड विद द रेफरेंस टू द POM POD इसकी जानकारी रहना बहुत जरूरी है। POM POD से ही हमको हर चीज गिननी है कि कौन कौन से पार्ट ब्रोकन मिले। मैं आपको केस बोल देता हूँ कि आपको भी इंटरेस्ट रहेगा। ये जो बलास्ट वैगन होता है, PWI का जो गिट्टी गिराने वाला जो वैगन है, वो वैगन मेन लाइन से रूप लाइन में जा रहा था और वो डिलेड हो गया बिकॉज ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक साइड खोल देते हैं दरवाजा खराब रहता। अब उस समय में जो LSD है, लोड सेंसिंग डिवाइस का जो पीस होता है, वो गिरा हुआ था। स्टार्ट से उनका कहना था कि भाई ये तुम्हारा गिरा था इसकी वजह से गाड़ी में। अब उस चीज को बीइंग अ टेक्निकल पर्सन हम ये बताएंगे सर
ये इंडस्ट्री डिवाइस है, इसका ब्रेकिंग संबंध है, इसका बिलिंग कोई संबंध है, लेकिन ज्वाइंट नोट में आखिरी तक वो चीज मिली नहीं और कॉन्ट्रीब्यूटरी में वो चीज आई। ये मतलब आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम पहले ही उस चीज को बता सके कि भाई उस चीज का क्या है, एक बार आपके हमारे रिकॉर्डिंग में आ गई, वो फिर आखिरी तक जो है वो उसे खींचा नहीं छुड़ा सकते। तो जो भी चीज़ों को रिकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, अगर वो वैगन का नहीं है, बहुत बार क्या होता है कि यार्ड में लोग जो है बहुत से सामान पहले निकालते हैं, करते हैं, गिरा रहता है, वो उसको मार्क किया जाता है कि भाई ये पार्ट कॉज ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कौन सी गाड़ी से गिरा हुआ है और प्योर पीओडी से पीछे है आगे है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये एज अ कमिटी उस पर डिस्कस करना है। After proper identification and recording in the site sketch and after taking photographs, video, films, etc. the broken part should be protected from the exposure to the weather by providing covering with suitable material. These components should be sent for metallurgical analysis at the earliest after obtaining the approval of competent authority. कब भेजना है? Obtaining approval of competent authority. मैं कोई भी part को मैं छोड़ डालूँगा। अगर वो part उस गाड़ी से गिरा हुआ है और कॉज ऑफ डिवेलपमेंट हो रहा है तो ही वो पार्ट जाएगा। कोई भी पार्ट को मैं उसको मेटलर्जिकल एनालिसिस में नहीं लाऊंगा, उसको देखना है कि इसका उस चीज से कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या। नेक्स्ट, व्हेन अ ब्रेकेज एंड रोकिंग ऑफ अंडरस्लग कंपोनेंट्स रिजल्टिंग इन द डिवेलपमेंट, देयर विल बी ड्रैगिंग मार्क्स ऑन द स्लीपर्स टू कंसीडर डिस्टेंस प्रायर टू पीओ। डेफिनेटली पॉइंट ऑफ माउंट के पहले जो हमको मार्किंग मिलते हैं वो कल्प्रिट चीज के ड्रैगिंग के मार्क्स होते हैं, और बाद में के जो पीएम के बाद के जो ड्रैगिंग होता है वो गाड़ी के गिरने के ड्रैगिंग मार्क्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ ऐसे भी होता है कि ये जो ड्रैगिंग मार्क के पीछे बोलते हैं वो पीएम थे और है, ये सडन डेवलपमेंट है। अब हमको ये देखना है कि ये ड्रैगिंग मार्क किस चीज के है, गाड़ी के है या गाड़ी के किसी पार्ट के है। हमको सबसे पहले पीएम ढूंढना है, ये तो हम सब जानते हैं कि अगर पीएम हमें डिसाइड नहीं हुआ तो आपकी ज्वाइंट नोट बन ही नहीं सकती। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, अगर सडन डेवलपमेंट है और कोई है वो बात अलग है, लेकिन जहाँ पे अपना पूरा रोल आता है वहाँ पे आपको पीओ पीओडी मालूम रहना जरूरी है, और उसके हिसाब से हमको सभी को ड्राइविंग देखना है। अ डेवलपमेंट इन द विसिबिलिटी ऑफ पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग मे रिजल्ट इन अ ब्रेक पुश और गेटिंग एंटेंगल विद द ट्रक। अगर आपका कोई हैंगिंग पार्ट है जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग में फंस रहा है तो वो जो है वो कॉज ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि वो चीज लिफ्ट करेगा और आपके चक्के को कोई भी चीज चक्के और ट्रैक के बीच में आ गया तो उसको लिफ्ट करा के गिरा देगा, तो ये क्या रोड हो सकता है। क्लीयरेंसेस बिटवीन एक्सल बॉक्स एंड हॉर्न चिप, ये यूएसए ट्रॉली का है, फोर व्हीलर का है, ये ऑब्सोलीट है, फिर भी अपने कैस्टर में बोला जाता है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हम सब जो हुक्म के ताबेदार है, हमको जो हुक्म मिला है अपने बॉस ने बोल दिया भाई देना है, तो लैटरल लॉन्गिट्यूडनल क्लीयरेंसेस, ये क्लीयरेंसेस पुराने क्लीयरेंस देने हैं। वो देने कैसे हैं, डेपो में अपने जो आरओएच पीओएच करने वाले जो लोग हैं उनको साथ में लेना है, वहाँ पे उनके पास गेजेस हैं, कितना फिलर गेज है, कितना डिस्टेंस है, और उसको रिकॉर्डिंग करना है, L1 L2 R1 R2 इस तरह से करना है। और ये सब करने की नौबत जब आएंगी, जब आपको ये बताना है कि वेदर इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन डेवलपमेंट। इन्होंने बोल दिया कि भाई तुमको ये मेजरमेंट देना है तो नहीं देना है, आपको हट जाना है। और डेफिनेटली आप सब लोग तो इसको पहचानते ही होंगे कि इन्होंने स्टार्ट में जो मेमो दे दिया है, मेमो में व्हील डायमीटर, सेंटर पिवट, लैटरल ऑर्बिटल डायमेंशन, स्प्रिंग केम्बर सब कुछ लिखा रहता है। ये एक्सीडेंट की अपना डिप्टी सीएसओ का एक लेटर है 2002 का, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको एडिशनल मेजरमेंट नहीं देना है, अगर देना है तो पीएचओडी की सीएसओ के साथ बात करके आपको बताया जाएगा कि आपको एडिशनल मेजरमेंट देना है। ये सेंट्रल रेलवे का है, अदर रेलवे के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। उस लेटर का रेफरेंस देखिए, मैं वो लेटर का नंबर बोलता हूँ आपको, डिप्टी सीएसओ सीएसटीएम लेटर नंबर T/102/P SRM dated 13/11/2006, it is additional measurement DPCSO CST, और
व्हील डायमीटर के जो 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 लेने के बारे में बताया गया था उसके अगेंस्ट में भी एक लेटर है, हेडक्वार्टर का लेटर है, टीआर ऑब्लिक एएम ऑब्लिक आरईवी 103 डेटेड 22/4/04। इसमें भी ये बताया गया कि व्हील डायमीटर जो है ये एक्सिस मैन्यूअल करेक्शन स्लिप है, मतलब ये डायरेक्ट कॉज नहीं हो सकता है। ये जो डायमेंशन है व्हील डायमीटर जो है ये वर्कशॉप लिविंग डायमेंशन है 0.5 5 13, इसका जो है व्हील डायमीटर देना नहीं है अपने को, व्हील टायर डिफेक्ट गेज से ही जो है अपने को देना है। नेक्स्ट, ये लास्ट है, कंक्लूजन है, टू अराइव एट द एक्चुअल कॉज ऑफ डिफेक्टमेंट अ सिंसियर एंड ऑनेस्ट अप्रोच, सिंसियर एंड ऑनेस्ट अप्रोच टू द रिकॉर्डिंग ऑफ पैरामीटर्स इज नेसेसरी, गिविंग नो रूम फॉर डिफेक्टमेंट बायस, डिपार्टमेंटल बायस, द इंफॉर्मेशन elicited in the PVA proforma and rolling stock proforma are sufficient. इनके proforma इतने sufficient है कि cause of derailment मिल जाना चाहिए. To access the cause of derailment. In any case, if some obvious defects are noticed in PVA or rolling stock which can cause derailment, such defect can be reported even if same is not covered in the specified forum. ये अभी recent case आपके झांसी में, झांसी से नहीं, वो जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था पुखराया का कंक्लूजन पढ़ा आप किसी ने? पुखराया वो डेवलपमेंट का कंक्लूजन ये है, ड्यू टू इनहेरेंट डिफेक्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, इनहेरेंट डिफेक्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, जबकि ट्रैक क्या था सबको मालूम है, क्या कंडीशन हुई, किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है। देखिए ये तो बहुत हाई लेवल की बात है, सिर्फ ये समझिए सीएसओ साहब के जो सेंटेंस है, कंक्लूजन ये था ड्यू टू इनहेरेंट डिफेक्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, इनहेरेंट का मतलब मैं तो नहीं जानता और ना कोई पैरामीटर्स में मिला होगा, लेकिन जो बताया है तो ये चीज तो हो ही सकती है ना कि आपको आपके बॉस ने बोल दिया कि भाई आपको ये भी देना है, वो भी देना है। लास्ट कंट्रोल करता हूं, अ क्लियर रिकॉर्डिंग ऑफ द पैरामीटर्स विल हेल्प यू फाइंड रियल कॉज and turn into the direction of human failure and system policy. Thank you very much. मैंने कोशिश किया मैं आपको बताने की। अच्छा बहुत अच्छा। आपको अगर कुछ doubts है, official doubts, देखिए मैं आपके personal doubts को तो मैं कुछ नहीं कह सकता। Official अगर doubts है। Clear ही हो गया ना भाई? देखो मतलब ही नहीं करता। Thank you very much. बहुत तो पढ़ाई कर ली हो गई। चलो होगा कल अच्छी स्वागत समारोह। आप थोड़ी बोल रहे, अरे शाम को कहाँ गए थे? काम कर रहे थे, याद कर रहे थे आपको, कहाँ गए घर वाले आदमी जी? लो भाई बंद करो अभी, चलो जुमला का इधर, इस साइड में अंधेरा पड़ता है।